और अब बात महाराष्ट्र में मचे सियासी घमासान की करेंगे, जहां पर लड़ाई अब शिवसेना की दावेदारी पर आ गई है। इससे जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको जल्दी से दे देते हैं। आपको बता दें, एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री की ओर से बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका देते हुए शिंदे गुट के राहुल शेवले को फ्लोर लीडर की मान्यता। लोकसभा में राहुल शेवले शिवसेना के नेता बनाए गए। शिंदे की ओर से ये दावा किया गया है। लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला ने राहुल को मान्यता दे दी है। लोकसभा में राहुल शिवाले शिवसेना के नेता बनाए गए हैं। एकनाथ शिंदे गुट के वो माने जाते हैं। और इसी के साथ ही एकनाथ शिंदे दावा कर रहे हैं कि दरअसल 12 सांसदों का समर्थन उनके साथ है। उद्धव गुट ने इस बारे में विरोध किया था। आखिर किसकी शिवसेना? सीएम की गद्दी गंवाने वाले उद्धव ठाकरे क्या अब शिवसेना को बचा पाएंगे? क्योंकि एकनाथ शिंदे ने अब शिवसेना पर अपने दावे की फाइनल जंग शुरू कर दी है। महाराष्ट्र में कुछ दिन पहले शिवसेना भाजपा का सरकार स्थापित हुआ। हमारे हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे जी के विचार, हमारे आनंदगे साहब के विचार लेकर हम लोगों ने यह सरकार स्थापित किया है, भारतीय जनता पार्टी के साथ, शिवसेना भाजपा का। उसे भारी समर्थन जनप्रतिनिधि, लोक प्रतिनिधि और महाराष्ट्र की जनता ने दिया हुआ है। आप आज एकनाथ शिंदे ने दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की, जिसके बाद वो 12 शिवसैनिक सांसदों के साथ लोकसभा स्पीकर के पास पहुंच गए। यानी शिंदे गुट का दावा है कि शिवसेना के 18 में से 12 सांसद उनके साथ खड़े हैं और फ्लोर लीडर बदलने की मांग की। ये 12 सांसद जो है, उन्होंने भी हमारी बाला साहेब ठाकरे जी के जो विचार वाली जो भूमिका है उसे स्वीकार किया है, उसको समर्थन दिया है, ताकि वो जानते हैं कि महाराष्ट्र में जो विधायक लोगों ने जो भूमिका ली हुई है वो लोगों के हित की है और राज्य के विकास की है। इसलिए मैं ये 12 सांसद जो है उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। सबसे बड़ी बात, कल सुप्रीम कोर्ट में मामले पर होने वाली सुनवाई से पहले शिंदे की ओर से ये दांव खेला गया है। वहीं उद्धव की ओर से भी बैठकों का दौर जारी है, जिसके निशाने पर अब बीजेपी है। उत्तर भारतीय महासंघ नेताओं को संबोधित करते हुए उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर जमकर हमले किए। वहीं शिवसेना पर एक बार फिर दावेदारी ठोकी। वो मुर्गा लड़ा रही है। इस लड़ाई में जब एक मुर्गा मर जाएगा तब वो दूसरे मुर्गे को मारकर शिवसेना खत्म कर देंगे। इस तरह उनकी मंशा पूरी हो जाएगी। जिस शिवसेना पर ये दावा ठोक रहे हैं वो भी मेरे पास है। हमारे लोग गद्दार नहीं हैं। हमारे लोगों को गुमराह कर गद्दारी का काम बीजेपी कर रही है। आप मेरे तरकश से कितने भी तीर क्यों ना निकाल लीजिए, लेकिन उस तीर को चलाने के लिए जिस धनुष की आपको जरूरत होगी वो मेरे पास ही है। इस बीच दोनों ही गुट फुल एक्शन में नजर आ रहे हैं। शिंदे गुट ने कार्यकारिणी को भंग कर नई कार्यकारिणी का गठन किया है, जिसकी कमान शिंदे को सौंपी गई। हालांकि अध्यक्ष पद पर उद्धव ठाकरे बरकरार हैं। उधर उद्धव गुट ने नई कार्यकारिणी को नकार दिया है। उद्धव गुट के शिवसेना सांसद विनायक राउत ने भी ओम बिड़ला को चिट्ठी लिखी है। इसमें उन्होंने कहा कि लोकसभा में उन्हें शिवसेना संसदीय दल का नेता और राजन विचारे को चीफ व्हिप नियुक्त किया गया है। अगर शिवसेना के दूसरे किसी सांसद की ओर से किसी और को व्हिप नियुक्त किया जाता है या कोई और आदेश जारी किया जाता है तो उसे मंजूर न किया जाए। अब सवाल खड़ा होता है कि आखिर सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला लेगा। लेकिन इससे पहले शिवसेना में अंदरूनी कलह थमने का नाम नहीं ले रही। कल सीनियर नेता रामदास कदम को शिवसेना ने बाहर का रास्ता दिखा दिया। उसकी वजह सिर्फ राष्ट्रवादी शरद पवार और अजित पवार। अगर बाला साहब आज होते तो उद्धव जी को राष्ट्रवादी कांग्रेस में जाके मुख्यमंत्री होने नहीं देते। बाला साहब ने उनका अखा जन्म जो गया वो राष्ट्रवादी कांग्रेस से संघर्ष करने में गया, हिंदुत्व के लिए गया, हिंदू हृदय सम्राट करके उनकी पहचान सब दुनिया में हो गई। और उनका बेटा जाके राष्ट्रवादी कांग्रेस के साथ में बैठ के मुख्यमंत्री बनता है। मैं उनको ये हाथ जोड़ के बोला था कि साहब के आत्मा को शांति नहीं लगेगी, ये नहीं मत कर लो पापे, मैंने हाथ जोड़ के कहा था। उधर संजय राउत अब तक मंत्रिमंडल के ऐलान न किए जाने पर सवाल खड़े कर रहे हैं। सरकार धोखे से बनी है। सर्वोच्च न्यायालय का घटनापीठ उस बारे में
पूरी बात सुनेगी, तब तक ये सरकार के ऊपर डिस्क्वालिफिकेशन की तलवार लटक रही है, तो उनमें हिम्मत नहीं है कि शपथ लेकर काम शुरू करें। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट में कल अहम सुनवाई होनी है, जिससे पहले सियासी दांवपेच का खेल तेज हो गया है। आज तक ब्यूरो।